वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम लोग जा रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग पर, और वो है हमारे बैंगलोर में। ये अद्भुत और अलौकिक नजारे देखने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग। तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग। और अगर आप लोग बैंगलोर से आ रहे हो तो उसका डिस्टेंस है 28 किलोमीटर बैंगलोर से ये आश्रम बना हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं आश्रम की ओर। पहुंच गए हम और आपको दिखाते हैं अंदर जाके आश्रम का नजारा। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा ह्यूज पार्किंग है। अगर आप फैमिली के साथ वन डे के लिए आ रहे हो या तो ये विजिट करने आ रहे हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा, वो भी बहुत ही बड़ा। तो लेट्स गो। ये इतनी सुंदर सी जो जगह आपको दिख रही है गुरु पादुका वर्णम के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे सत्संग के प्रोग्राम होते हैं और आज भी यहाँ पे गुरुजी यानी कि श्री श्री रविशंकर जी का सत्संग है। और ये सभी भक्तगण उन्हीं का इंतजार कर रहे, कुछ ही देर में यहाँ पे सत्संग शुरू होने वाला है। आश्रम इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक दिन में पैदल घूमना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर उनकी बस चलती है और वो आपको पूरी आश्रम की यात्रा कराएगी, वो भी फ्री में। यहाँ अगर आप वन डे विजिट के लिए आते हो तो आपको कोई भी चार्ज या तो टिकट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंट्री टोटली फ्री है, पर अगर आप यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, आपके हेल्थ को लेके भी अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेज के हिसाब से आपको फीस पे करनी होती है। ये सारा जो क्राउड दिख रहा है वो गुरु जी यानी की श्री श्री रविशंकर जी का इंतजार कर रहे है ताकि उनके दर्शन भी हो जाए और साथ में सत्संग करने लगे। यहाँ आश्रम में सवेरे के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रसादी स्वरूप में दिया जाता है। 2000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करते हर रोज। अगर आप चल के आश्रम देख रहे हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स देखने मिल जाएंगे, और हम चल के देख रहे थे क्योंकि हमें बहुत कुछ देखना भी था आश्रम में। तो आपको चलते चलते ऐसे स्टोर मिलेंगे जिसमें खाने पीने की चीजें है, जूस वगैरह भी मिल रही है और कपड़े इत्यादि भी यहाँ पे अच्छे अच्छे मिल रहे थे, वो भी आश्रम के लोगों द्वारा बनाए गए। यहाँ पे आपकी नाड़ी परीक्षण भी होती है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी रहते, इनका हॉस्पिटल भी है। अगर आप बस से टूर ले रहे हो तो आपको हॉस्पिटल विजिट भी कराया जाता है। और ये है आश्रम का इंक्वायरी सेंटर, चलते चलते ही रास्ते में आता है। और यहाँ से आपको सारे कोर्सेज के बारे में और पूरे आश्रम के बारे में जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी। तो
अब हम पहुंच गए हैं आश्रम के सबसे खूबसूरत जगह पर, जिसका नाम है विशालाक्षी मंडप। और ये विशालाक्षी मंडप की जो डिजाइन है वो खुद श्री श्री रविशंकर जी ने तैयार करी थी, और ये मंडप का नाम भी उन्होंने अपनी माता के नाम पे ही रखा हुआ था। और इसमें 5 फ्लोर है, 81 पिलर है और अराउंड 108 फीट लंबा इसका स्ट्रक्चर है। और सबसे ज्यादा मुझे दिल को छू गया क्योंकि इतनी ग्रीनरी है और उन्होंने ये मंडप का नाम अपनी माँ के नाम से ही रखा है। तो बाहर ही ऐसे नंदी रखे हुए हैं, नंदी के दर्शन करते हैं और चलते हैं अंदर अक्षी मंडप की ओर। जैसे आप विशाला अक्षी मंडप में एंटर होंगे ना, आपको एक अलौकिक शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि ये एक मेडिटेशन सेंटर है और बहुत ही बड़ा हॉल है। बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आके यहाँ पे बैठे हुए थे और अपना ध्यान लगा रहे थे। लोग मेडिटेशन के लिए यहाँ पे स्पेशली आते हैं। दूर दूर से आए हुए लोग अपने ध्यान में मग्न थे और मैं ये एक शांति का जो अनुभव है वो फील कर रही थी। यहाँ पे जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो, आपको बहुत सारे पिलर मिलेंगे और हर पिलर पे अलग अलग धर्म के सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सर्व धर्म संभव है, कोई भी धर्म से आप हो आप आश्रम में आ सकते हो। तो हम लोग पहुंच गए ये सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर से चारों तरफ पर्वत और ग्रीनरी, एक जंगल सा बना हुआ था, और उसके बीच में ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो सेंटर है, दिल को ये चीजें छू रही थी। और जैसे जैसे शाम हो रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा था। पीछे जो आपको वो बिल्डिंग दिखी, वो बिल्डिंग में अगर आप लोग कोई कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको रहने के लिए रूम्स भी मिल जाएंगे। और जैसे जैसे शाम हो रही है लाइटिंग शुरू हो गई है, और हम ये सारी चीजें देख के बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे लिए एक अलग अनुभूति है। ये आश्रम में गुरुकुल भी है और गुरुकुल में 11 से 18 साल के बीच के बच्चों को फ्री में वेद पढ़ाया जाता है, और कोई भी धर्म के बच्चे आके यहाँ पे वेद का ज्ञान ले सकते हैं। डेली यहाँ आश्रम में 6:30 से 7:30 कीर्तन होता है। यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ योगा सेंटर भी है, यहाँ पे सारे अलग अलग बीमारियों के लिए भी आपको कोर्सेज है। आप हैप्पीनेस का कोर्स ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है जो आप यहाँ आश्रम पे आओगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे कैफे विशाला रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पर यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपको ऑर्डर करना है और अपना प्लेट लेके आपको बैठना है। तो फाइनली पूरा आश्रम विजिट करने के बाद हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे स्टोर है बहुत ही बड़ा सा, जहाँ पे सारी चीजें मिल रही थी श्री तत्व की, बहुत सारी मेडिसिन्स मिल रही थी, कपड़े मिल रहे थे, बहुत सारी ज्वेलरीज मिल रही थी, खाने पीने की चीजें भी मिल रही थी, गिफ्ट आर्टिकल्स भी मिल रहे थे। तो हम ये स्टोर देख रहे हैं, मैंने आपको पूरा आश्रम दिखाया, बहुत एक शांति की मुझे तो अनुभूति हुई। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आर्ट ऑफ लिविंग का ये सेंटर आश्रम आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर नए हो मेरी चैनल पे फ्रेंड्स, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना ना भूलना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।